उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूँ। आज जिस रेमेडी की हम बात करेंगे वो है हेयर के हवाले से, क्योंकि आजकल जिस तरह का मौसम हो रहा है, जिस तरह का माहौल हो रहा है, जिस तरह की आलूदगी हो रही है, इस वजह से हमारे हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा। हमारा हेयर ग्रोथ स्टॉप हो गया है। हमारे हेयर ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप तो हो गया है, बट उसमें बिल्कुल शाइनिंग नहीं रही है। हमारे हेयर बिल्कुल हार्ड से हो गए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट एंड बेस्ट रेमेडी। या आप अपनी नानी दादी से भी पूछ सकते हैं इस रेमेडी के बारे में। पहले के पुराने लोग ये रेमेडी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। ये आपके एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ करेगा, एंड आपके हेयर से खुश्की को ख़त्म करेगा, सिकरी को ख़त्म करेगा, एंड हेयर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको ख़त्म करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जिन लोगों को बालों का प्रॉब्लम है कि हमारे हेयर बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं, बहुत तेज़ी से वाइट हो रहे हैं, तो जो आपके बाल वाइट हो चुके हैं उनको तो कोई मतलब उसके लिए तो कोई भी ऐसा कोई शैम्पू नहीं बना है, ऐसा कोई हेयर कलर नहीं बना है जो आपके जो वाइट हेयर हो चुके हैं उनको करेक्ट करे। तो ऐसा कोई नहीं। अगर आपको मार्केट में कोई कहता है कि ये हेयर मास्क, ये हेयर कलर फलां 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 इस तरह का है कि आपके आने वाले वाइट हेयर को रोकेगा, तो ऐसा कोई नहीं है। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है, ऐसा कोई शैम्पू नहीं है, ऐसा कोई हेयर कलर नहीं है। बस जो आपके बाल वाइट हो चुके हैं वो हो चुके हैं। तो इस रेमेडी में आपको मैं ये बताऊँगी कि इससे आपके बालों का कलर किस तरह चेंज होगा। आप खुद देखकर आपको मतलब यूज़ करने से पहले ही आप समझ जाएंगे कि इस रेमेडी से आपके हेयर किस तरह से कलर्ड भी होंगे, ग्रो भी होंगे, सिल्की भी होंगे एंड लॉन्ग भी होंगे। इससे 1 वीक में 1 इंच आपके हेयर ग्रोथ होंगे, इंशाल्लाह। चल रहे हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। तब तक अगर आपने मेरा चैनल मिक्स एंड टिप्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को मिक्स एंड टिप्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। हमारी वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट है रतन जोत। जी हाँ, ये है रतन जोत, ये देख लीजिए। ये हमें इजीली किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 10 ग्राम के करीब रतन जोत लिया है। अब हमें इसे तेल में पकाना है। अब तेल में पकाने के बाद हम आपको इसका बेसिक मेथड बताएंगे कि इसको कितनी देर तक पकाना है एंड किस तरह से यूज़ करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है और आप इसको कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि इस रेमेडी को तैयार कैसे करते हैं। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये रेमेडी तैयार करने में, क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल तेज़ी से दुगना घना लंबा चमकदार करता है। ये बहुत पुरानी रेमेडी है, ये हम तो अभी इसको देख रहे हैं, हम तो अभी यूज़ कर रहे हैं, और हम इसे तब यूज़ करना स्टार्ट हुए हैं जब हमारे बालों को बाहर के शैम्पू ने नुकसान दिया, बाहर के हेयर ऑयल ने नुकसान दिया, बाहर के मास्क ने नुकसान दिया, बाहर की हर चीज़ ने हमें नुकसान दिया, तब हम जाकर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट हुए हैं, घर की चीज़ें बनाकर लगाना स्टार्ट हुए हैं। ये हमारी नानी दादी के वक्तों का है, और कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है, वो बहुत इंफॉर्मेटिव बात होती है, तो वो सही कहते हैं। तो चले आज हम अपनी नानी दादी को खुश कर देते हैं, उनकी रेमेडीज़ रेडी करते हैं और अपने बालों में अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी नानी दादी या हमारे बड़े हमसे खुश हो जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, हम लेंगे एक फुल साइज़ की कढ़ाई, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें डालेंगे 1 कप के करीब तेल। आप देख सकते हैं कढ़ाई की हालत, क्योंकि मैं इसमें अक्सर मेरी रेमेडीज़ बनाती रहती हूँ और इसे यूज़ करती रहती हूँ। ये कढ़ाई सिर्फ मेरी रेमेडीज़ के लिए है, जब इसकी हालत ऐसी हो रही है, क्योंकि कभी इसके अंदर कुछ, कभी इसके अंदर कुछ बनाया जाता है। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो रहा है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद इसमें हम डाल देंगे रतन जोत। आप देख सकते हैं किस तरह से रतन जोत ऐसे इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो इस तरह से बबल्स बनने चाहिए। देखिए साइड पर आपको रेड कलर दिख रहा होगा, अभी से इसने अपना कलर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो इसे कोकोनट ऑयल में पकाएं, आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में पकाएं, आपको जो ऑयल हेयर ऑयल सूट करता है आप उसमें पका सकते हैं, नो इशू। इसको अच्छे से हमें चमचा चलाना है, एंड देन थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर, वाव यार, रेड कलर इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, मतलब कि जो सरसों का तेल था वो बिल्कुल गायब हो चुका है और इसमें आ गया है रतन जोत का कलर। तो ये हमारे कलर हेयर्स को करेगा डाई, और आप देखेंगे आपको खुद ही मैजिकल ये हेयर ऑयल लगेगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद आप जैसे जैसे इसे यूज़ करते जाएंगे आपको इससे कलर भी आते हेयर होते जाएंगे इंशाल्लाह। एंड देन हमें देखें इसमें अच्छे से धुआं निकल रहा है, हमें इतनी देर तक पकाना है कि इसकी क्वान्टिटी हाफ हो जाए, फिर हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है एंड हमें इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के
बाद देन फिर हमें इसे निकालना है स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे देख सकते हैं किस तरह से पंप, इस तरह के पंप वाले स्प्रे बॉटल में आपको इसे कन्वर्ट कर देना है अच्छे से। एंड हम इसे मेजरिंग कप अगर आपके पास है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई भी कप ले सकते हैं, उसके अंदर अपना ऑयल निकाल सकते हैं। अब देखें हम इसे स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई इसके अंदर रतनजोत का जो हमने बड़ी बड़ी ये जो वो था लकड़ियाँ स्टिक टाइप का वो अंदर ना जा सके। तो आपने ख्याल रखना है एंड अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लेना है स्ट्रेनर, क्योंकि ये कपड़े की हेल्प से तो हो नहीं सकते, इसलिए स्ट्रेनर ले लेना है आपने और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप देखें फिर इसके अंदर डालना है हमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट मैं डालती हूँ इस वजह से मैंने यूज़ किया है। आप इसे स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर दीजिए। देखें मैंने इतनी क्वान्टिटी में बनाया है कि पूरा स्प्रे बॉटल में अच्छे से ये कन्वर्ट हो सके और मेरा बच ना जाए ताकि ज़ाया ना जाए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की नेमत होती है और हमें नेमत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो चलें हमने इसे अच्छे से कन्वर्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से रेड कलर दे रहा है यार, ये देख सकते हैं आप, ये आपके हेयर में भी बहुत अच्छे से कलर देगा। देखिए ये अच्छे से हमें इसे टाइट कर लेना है। ये अब मुझे ये कम से कम 1 मंथ तो चल ही जाएगा, आप चाहे तो इसे 1 ईयर के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको हमारे घर के बच्चे के हेयर में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हमारे बच्चे के हेयर आप देख सकते हैं, इनके हेयर भी इसी हेयर ऑयल से ही इतने ज़्यादा माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। इनको काफ़ी सारे हेयर ऑयल लगाए बट इन्हें कोई भी सूट नहीं हुआ, तो इनके हेयर आप देख सकते हैं हल्के हल्के से रेड शाइनिंग भी आ रही होगी इनके हेयर में। तो ये किसी चीज़ का कमाल नहीं है, ये सिर्फ इस हेयर ऑयल का कमाल है जो कि मैजिकल है और सच में आपके हेयर को अच्छे से ग्रो करेगा, आपके हेयर डाई करेगा, आपके हेयर से कुछ ये सब कुछ आपके दो मुंहे बाल को ख़त्म करेगा। और आप चाहें तो इसे किसी भी उम्र में यूज़ कर सकते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब इसे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से जड़ों में अप्लाई कर रहा हूँ, आपने भी इस तरह हल्के हल्के हाथ से जड़ों में अप्लाई करना है। जड़ों में अप्लाई करने के बाद एंड देन आपको देख सकते हैं आप कहीं पर अभी आपको जड़ों में अप्लाई करने के बाद फिर आपको इसे अच्छे से पूरे हेयर में अच्छे से मसाज कर लेना है हल्के हाथ से। आपको इस तरह से मसाज करना है कि आपके सारे हेयर तेल में डिप हो जाए अच्छे से। हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथ से मसाज कर लेनी है, पहले हमें रूट में करना है, देन हमें इसे स्लो स्लो नीचे लेते हुए आना है। देख सकते हैं आप किस तरह से इसे अच्छे अच्छे से मसाज करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी, इंशाल्लाह आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे इसके आप रिव्यू दीजिएगा कि आपको 1 वीक के अंदर इसका कैसा रिजल्ट मिला। इंशाल्लाह आपका अच्छा ही रिव्यू होगा उम्मीद करती हूँ, और मुझे भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है क्योंकि मैं ये रेमेडी यूज़ करती हूँ जब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने आपसे पहले ही वीडियो में कहा था कि मैं वही रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी जिसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, और माशाल्लाह 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 मुझे इस रेमेडी का इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला, इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।